आजादी हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, फिर से फिर से आने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो हमारा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अंत के दिन आने वाला है और प्रभु कहता है अपने पापों से, श्रापों से और अपने जीवन के जो पाप में, श्राप में, सजा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब पीने वाले है वो सोच ले परमेश्वर आने वाला है। चलो, और उसके आने से पहले अपने मन को खोल के प्रभु की स्तुति और आराधना करे क्योंकि कल का दिन कोई भी जानता क्या होने वाला है। हम सब प्रार्थना करते हैं जब हमारे जीवन में पापों को छुट करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने मुंह से गंदी गालियां, पाप, श्राप को छोड़ करके एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आया। इस जगत में कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया बल्कि पापी को पाप से अलग करके परमेश्वर के राज्य में स्थापित करने के लिए, एक नया जीवन पापी को देने के लिए आया। इसलिए आप लोग अपने अपने पापों से मन फिराए क्योंकि हम सगरे शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, अपने मुंह से गंदी गालियां निकालते हैं। उस चीज को छोड़ करके अगर हम सच्चाई की ओर चलेंगे तो हमारा जीवन प्रभु यीशु में एक अनंत काल का जीवन की ओर जाएगा। हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो हमारा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अंत के दिन आने वाला है और प्रभु कहता है अपने पापों से, श्रापों से और अपने जीवन के जो पाप में, श्राप में, सजा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब पीने वाले है वो सोच ले परमेश्वर आने वाला है। चलो, और उसके आने से पहले अपने मन को खोल के प्रभु की स्तुति और आराधना करे क्योंकि कल का दिन कोई भी जानता क्या होने वाला है। हम सब प्रार्थना करते हैं जब हमारे जीवन में पापों को छुट करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने मुंह से गंदी गालियां, पाप, श्राप को छोड़ करके एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आया। इस जगत में कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया बल्कि पापी को पाप से अलग करके परमेश्वर के राज्य में स्थापित करने के लिए, एक नया जीवन पापी को देने के लिए आया। इसलिए आप लोग अपने अपने पापों से मन फिराए क्योंकि हम सगरे शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, अपने मुंह से गंदी गालियां निकालते हैं। उस चीज को छोड़ करके अगर हम सच्चाई की ओर चलेंगे तो हमारा जीवन प्रभु यीशु में एक अनंत काल का जीवन की ओर जाएगा।